बड़ी खबर भोपाल से है। एमपी कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी का आज भोपाल दौरा, सुबह 10:30 बजे पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, जीतू पटवारी के साथ प्रदेश स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी नए प्रभारी करने वाले हैं। भंवर जितेंद्र सिंह हैं एमपी कांग्रेस के नए प्रभारी और आज यहां पर बड़ी बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। जीतू पटवारी के साथ प्रदेश स्तरीय बैठक में शामिल होंगे, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए नए प्रभारी जितेंद्र सिंह नजर आने वाले हैं। एमपी कांग्रेस के जितेंद्र सिंह नए प्रभारी बनाए गए हैं। इसके पहले रणदीप सुरजेवाला थे प्रभारी, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। 10:30 बजे पार्टी नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है। जीतू पटवारी के साथ प्रदेश स्तरीय बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, भंवर जितेंद्र सिंह जो कि एमपी कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए हैं, आज भोपाल दौरा उनका रहने वाला है। 10:30 बजे बताया जा रहा है कि वो एक बैठक लेंगे। किस विषय पर चर्चा जीतू पटवारी के साथ हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस ने इस समय मंथन का दौर जारी है और मंथन है कि मंथन को जिस तरीके से हमने चुनाव में परिणाम कांग्रेस को ज्यादा भी दिखाता नहीं, मतलब इस साल काफी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से हम देख सकते हैं कि वो हताश है। ऐसे में नए प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह आज मध्य प्रदेश दौर पर हैं। सुबह 11 बजे के करीब पीसीसी में बैठक में भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी उस बैठक में तो बिल्कुल देखिए, अतुल से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जीतू पटवारी के साथ प्रदेश स्तरीय बैठक में आज जितेंद्र सिंह जो कि नए प्रभारी बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के, वो शामिल होने वाले हैं। भंवर जितेंद्र सिंह एमपी कांग्रेस के नए प्रभारी, 10:30 बजे तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात भी होने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा नए प्रभारी जितेंद्र सिंह करते हुए नजर आएंगे। भंवर जितेंद्र सिंह का आज भोपाल का दौरा है, बेहद अहम ये दौरा, तमाम चीजों को लेकर मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की स्ट्रेटजी क्या कुछ रहने वाली, इसे लेकर भी विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे। अब मौसम का हाल